लेकिन विशेष बात यह है कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों का दौरा दोनों जगहों का शुरू हो चुका है, तो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उन विधायकों को कहीं ना कहीं अशोक चौधरी ने अपने पाले में, यानी सत्ता की तरफ उनका झुकाव है, उन विधायक तेजस्वी यादव के खिलाफ कैंडिडेट जरूर उतरा था मुकेश सहनी जी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस नहीं कर पाई। अब अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस का ही योगदान ज्यादा है। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते, हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं, भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेचर पर होता है जिसकी चीरफाड़ करके उसके तह तक पहुंचते हैं हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी। बिहार की राजनीति है, बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान राजनीतिक ज्ञान की गंगा बह रही थी। अब आपकी जितना जो है आपका भरा घड़ा है, अब डुबाइए, भर लीजिए, अपने घर में समेट करके रख दीजिए, क्योंकि इस गंगा जल की एक जैसे खासियत है कि उसमें कीड़ा कभी नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से आपके राजनीतिक ज्ञान में कीड़ा भी नहीं पड़ता। हमने देखा कि नीतीश कुमार जी, जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उसे भी चुनाव के बाद कहना पड़ता है कि कौन साथ था कौन साथ नहीं था, इस बात का जो है हमें खबर ही नहीं चली, पता ही नहीं चला। ये तमाम चीज़ें भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाई थी, लेकिन महागठबंधन का हाल कुछ ऐसा हुआ जो दर्द दिखाया भी नहीं जाए, छुपाया भी नहीं जाए। तेजस्वी यादव जी ने कांग्रेस के लिए तो मुकर्रर कर दी 70 सीट, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? 20 से कम सीटों पर आए, 19 सीट पर जाकर के चुनाव जीतते हैं। ऐसे में रिप्लेसमेंट हर चीज़ का होता है, जैसे ही किसी चीज़ का उम्र हो जाता है, परफॉर्मेंस हो जाता है, तो उसका जो है आपको रिप्लेसमेंट का वक्त आ जाता है, क्योंकि समय ऐसा है कि घाटे का सौदा कोई नहीं कर सकता। और तेजस्वी यादव जिस पॉइंट पे खड़े हैं, नंबर एक पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है, तो ऐसे में घाटे का सौदा तेजस्वी यादव जी अभी करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में बात यह है कि कांग्रेस का रिप्लेसमेंट मिल गया है और वो है चिराग पासवान। अब कैसे हैं, क्यों हैं, कितना असर पड़ेगा, क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को नज़रअंदाज करना तेजस्वी यादव के लिए भारी नहीं पड़ेगा? ये तमाम सवाल हैं, आपके भी जहन में चल रहे होंगे, हमारे जैसे जहन में आ रहे हैं। तो चलते हैं सीधे अपने पंचनामा विशेषज्ञ डॉक्टर नमन मिश्रा जी के पास। तो क्या कांग्रेस का रिप्लेसमेंट चिराग पासवान जी? वोट बैंक का भी अंतर, सब कुछ का अंतर, चिराग युवा हैं, सब है इतना। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि कांग्रेस जो रिजल्ट दे पाई है जी, चाहे पिछले 3 बार के चुनाव को आप देख लीजिए, मुझे लगता है कि 2015 में कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी, 27 सीट जीत कर आई थी। 2019 में कांग्रेस को जितनी सीटें दी गई थी उसमें से मात्र एक सीट जीती, लेकिन 2019 में कोई और जीत नहीं पाया था, कांग्रेस ही एकमात्र सीट जीती थी जी। तो एक प्लस पॉइंट जरूर मिलता है, लेकिन सभी को पता है कि किशनगंज की वो सीट जिस पे कांग्रेस जीती थी, वो सीट जीत की तरफ ही बढ़ रहा था लगातार, वैसे भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रभाव नहीं दिखा पाए। लेकिन फिर जब 2020 का चुनाव होता है और कांग्रेस ने मुखरता के साथ 80-90 सीटें मांगी थी और 70 सीटों पर जब बात बन गई थी, तो मुझे याद है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्वकर्ता बहुत खुश हुए थे जी, जीत वहीं अपने मान लिया मान लिए थे। उसके बाद जीतना था, जीत सीट लेने से नहीं था, जीत सीट को डिस्ट्रीब्यूट करना, बिल्कुल एमएलएज में विन परसेंटेज में, वो अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस नहीं कर पाई। अब अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस का ही योगदान ज्यादा है जी। नीतिगत गलतियां, जो प्रत्याशियों के चयन में बहुत बड़ा मतलब झोलझाल, प्रत्याशियों के क्षेत्र जो चुना गया, इस प्रत्याशी का यहाँ से लड़ना था उन्हें कहीं और भेज दिया गया, तो इन सब के ढालमेल से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि कांग्रेस जीतने का मकसद से गई ही नहीं थी। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, खासतौर पर चूंकि प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा
और उनके आसपास के लोग और जो भी प्रभारी थे उस वक्त, मुझे याद है काफ़ी एक्टिव थे जी। तो उन लोगों की मेहनत पर पानी फेरना नहीं चाहूँगा, लेकिन कांग्रेस की तैयारियों से यही लगा कि कांग्रेस जीतना के पर्पज से गई ही नहीं। बिल्कुल। अब एक तो बात है कि कांग्रेस अपने लिए बुरा प्रदर्शन करती है, 2015 में भी कांग्रेस अगर बुरा प्रदर्शन करती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन 2020 में जब कांग्रेस बुरा प्रदर्शन करती है तो उससे फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। तेजस्वी यादव को जो जो रिक्वायर्ड सीट्स थी जिसके चलते मेजोरिटी साबित कर पाते, वो नहीं पुर पाई जी। डिस्पाइट इसके कि कांग्रेस में से कहीं ज्यादा बेहतर और बिहार की किसी भी पार्टी से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन तेजस्वी यादव ने किया किया, यहाँ तक कि लेफ्ट की पार्टियों ने भी जस्टिफाई कर दिया उनको जो सीटें मिली थी। बिल्कुल। लेकिन सबसे फिसड्डी कांग्रेस कांग्रेस दिखी। बार बार कांग्रेस को फिसड्डी कहने का पीछे मेरा कारण ये नहीं है कि कांग्रेस से कोई परस्पेक्टिव दुश्मनी है जी। लेकिन बात यहाँ स्पष्ट तौर पर यह है कि कांग्रेस ने अपनी शक्ति तो समझा ही नहीं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उसने सामने वाले को भी कमजोर कर दिया। बिल्कुल। अगर कांग्रेस की गलतियों का अगर केवल घाटा और नफा कांग्रेस को होता तो कोई इतनी चर्चा नहीं कर रहा होता। बिहार में कितनी पार्टियां चुनाव लड़ी और कितनी पार्टियों ने एक सीट भी नहीं लाया जी। एकमात्र लोजपा सीट लाई थी, वो भी नीतीश कुमार लेके चले गए जी। जो यूएपीए गठबंधन बना था उसमें भी एकमात्र विधायक थे जमा खान, उनको भी टांग के लेके गए नीतीश कुमार। तो वो मैटर नहीं करता, मैटर यहाँ ये करता है कि कांग्रेस में कोई सिस्टमेटिक फ्लॉ है। बिल्कुल। जो वो खोज ही नहीं पा रही जी। अलग अलग नस्तर, अलग अलग कनस्तर, अलग अलग जुगाड़, अलग अलग जो हकीम वैद्य सब ट्राई कर लिया उन्होंने, कुछ नहीं जुगाड़ बैठ रहा है। अब नई खबर आ रही है कि एक एक साथ तीन तीन चेहरों को लेके आ रही है, प्रशांत किशोर, मीरा कुमार और कन्हैया कुमार, इन सबको एक साथ लाने की तैयारी चल रही है। ऑब्वियसली बलि का बकरा जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है वो बनेंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। लेकिन क्या इससे कांग्रेस रिवाइव हो पाएगी? एक समय था अशोक चौधरी ने कांग्रेस को सो कॉल्ड रिवाइव कर दिया था, रिवाइव किया कागज पर तो उन्होंने बिल्कुल ही मजबूत कर दिया, लेकिन सच्चाई यही कि तब भी कांग्रेस का वो वोट नहीं था। बिल्कुल। और वो विधायक कांग्रेस के नहीं थे। नहीं आज थे। जब अशोक चौधरी के चुटकी पर इस तरह से कांग्रेस में बड़ा टूट हो सकता है जो दावा वो करते हैं लोग जी, तो वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उन विधायकों को कहीं ना कहीं अशोक चौधरी ने अपने पाले में, यानी सत्ता की तरफ उनका झुकाव है उन विधायकों का जी। अब ये बात जरूर है कि अभी तक ये बड़ी टूट नहीं हुई है, तो क्यों नहीं हुए इस पे एक अलग गहन अलग गहन। बिल्कुल। क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ में बटन था तो बचा के क्यों रखते हैं, दबा देते हैं, हो सकता है नीतीश जी किसी समय के लिए बचा रहे हो जी। लेकिन एक बात तो तय हो जाता है कि जो कल चर्चा हमने शुरू की है कि दो जगहों पर उपचुनाव होने हैं, कुशेश्वर स्वान और तारापुर, इन दोनों जगहों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें से एक तो कांग्रेस लड़ रही थी जी, कुशेश्वर स्थान। और कांग्रेस जहां से लड़ रही थी वहां से कांग्रेस दावा भी ठोक रही है जी। कांग्रेस के जो सीएलपी लीडर है अजीत शर्मा, उन्होंने दावा भी कर दिया है बिल्कुल कि यहाँ तो हम ही लड़ेंगे जी। लेकिन विशेष बात यह है कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों का दौरा है, दोनों जगहों का शुरू हो चुका है। बिल्कुल। और अपने तारापुर के भ्रमण के दौरान तेजस्वी यादव ने ये बात स्पष्ट तौर पर मंच से कही थी कि दोनों सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं जी। और उन्होंने ये नहीं कहा कि गठबंधन लड़ रही है, राजद लड़ रही है। मैं भी स्पष्ट कर दूं कि इसमें ये लग सकता है कि नहीं हम लड़ रहे हैं, मतलब महागठबंधन लड़ रहे हैं। महागठबंधन एक मंच पर नहीं दिखा है जी। और महागठबंधन मतलब अभी फिलहाल केवल तेजस्वी यादव। और महागठबंधन का अंतिम प्रारूप क्या होगा वो भी कह पाना असंभव है। जैसे कि पिछले चुनाव में मैं कहता था जी। लोग कहते थे कि नहीं सभी तीनों के तीनों थोड़े से लग जाएंगे। आज भी हमारे ऑफिस की दीवार पर वो तस्वीर लगी हुई जिसमें हमने महागठबंधन के तीनों दलों को माझी मलाह कुछ वहां को बाहर कर दिया था जी। बिल्कुल। और इन तीनों को बाहर हमने तब कर दिया था जब हमारे ऑफिस में तस्वीरें लग रही चुनाव से 2-3 महीने 4 महीने पहले जी। तो सोचिए, मतलब हमने तब भी कहा था कि अंतिम प्रारूप महागठबंधन का, इसे मत मानिए जी। और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि अंतिम प्रारूप महागठबंधन का, इसे मत मानिए, मत मानिए। कांग्रेस भी डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। बिल्कुल। और नीतीश तेजस्वी यादव की तरफ से भी कोई दबाव कांग्रेस के ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस से बहुत उम्मीदें भी तेजस्वी यादव को नहीं नहीं है। अब बात यहाँ दो सीटों की है, दो सीट सीधे तौर पर जीती जा सकती हैं। उपचुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखिएगा तो हमेशा विपक्ष ही जीता है। पलड़ा भारी उधर रहता है जी। ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव दो सीट बढ़ा लेते हैं तो नीतीश पर यह अतिरिक्त दबाव होगा जी। बिल्कुल। भाजपा का तो बात ही मत कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार पर जब दबाव बनाने की को इनको मिलेगा तो मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में इन दोनों सीटों पर, कल भी हमने पूछा था लोजपा के जो मीडिया प्रभारी हैं कल्लू, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जी। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने राष्ट्रीय नेताओं के मार्फत से ये बात बताई कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और प्रत्याशी भी फाइनल होल में हो चुके हैं जी।
यानी इन दोनों जगहों पर चुनाव वो लड़ रहे हैं या एक जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं जी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक मंच पर लगातार दिख रहे हैं जी, बिल्कुल। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है जी, और इस दोस्ती को रिश्तेदारी में अगर बदल देते हैं चुनाव में जी, राजनीतिक रिश्तेदारी तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने सारे मीडिया के सामने ये बात कहीं ना कहीं ऑफर के तौर पर रिफ्लेक्ट कर दी थी अपनी बातों से कि वो चिराग को साथ लाना चाहते हैं, इसके लिए उनको ऑफर भी दिया जा चुका है जी। और जिस मीटिंग को तथा कथित रूप से चिराग पासवान ने कहा कि गैर राजनीतिक, गैर राजनीतिक था, बिल्कुल वो पूरी तरह से एक राजनीतिक मुलाकात थी, कार्ड देना औपचारिकता था जी। एक साथ मांगा गया था जब उपेंद्र कुशवाहा बिहार में खिचड़ी बनाने चले थे, तो उन्होंने सभी लोगों को साथ बुलाया था, तो एक राजनीतिक खिचड़ी पकाने की तैयारी उन्होंने की थी, बिल्कुल। ऑब्वियसली राजनीति में मैं फिर रिपीट कर दूं कि कोई भी चीज सहर्ष नहीं होता है, ऐसे ही नहीं होता, अनायास ही नहीं होता, सब कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज नहीं होता। हाँ, बिल्कुल, सब कुछ सुनियोजित होता है और सब कुछ राजनीति के लिए होता है, बिल्कुल। राजनीति से उपजा हुआ हर सामान राजनीति में ही प्रयोग होता है, बिल्कुल। यानी इस फैक्ट्री का जो भी प्रोडक्ट होगा वो इसी में प्रयोग होगा जी। अब बात करते हैं अंतिम, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अगर साथ आते हैं जी, एक मुफ्त वोट बैंक जो होता है वो कितना हो जाता है मैं बताता हूँ आपको जी। लगभग 30% के आसपास वोट बैंक तेजस्वी यादव बिहार में कहा जाता है जी। MY दोनों मिला के 15 और 17% के आसपास दोनों मिलाकर ये होता है, और इसमें अगर हम जोड़ देते हैं चिराग पासवान का 7 से 8% वोट बैंक जी, तो ये टोटल मिलाकर 38% हो जाता है जी। इसमें अगर आप माझी मलाह कुशवाहा के वोट बैंक को भी जोड़ देते हैं, अलग से जोड़ते हैं, तो इसके समक्ष कहीं नहीं टिकता है, वो 20-22 के आसपास आकर टिकता है, बहुत ज्यादा जोड़ेंगे तो जी। अगर नीतीश कुमार का कुल वोट बैंक अगर लोग को जोड़ते हैं तो अभी 10 से 12 में आके सारे उपजातियां भी टिक जाती हैं वहाँ। भाजपा का सवर्ण का सारा अगर जोड़कर अभी करते हैं तो 17% के आसपास आकर टिक जाता है, यानी सबसे मजबूत अगर कोई समीकरण बन रहा है, कंप्लीट बात, बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात मैं बता दूं आपको कि जब चिराग पासवान तेजस्वी के साथ होंगे तो चिराग पासवान माझी का भी वोट काटेंगे, मुकेश सहनी का भी वोट काटेंगे, उपेंद्र कुशवाहा का भी वोट काटेंगे, और सवर्णों में भी जबरदस्त सेंधमारी करेंगे जी। क्योंकि रामविलास पासवान की यह पार्टी लोजपा है तो दलितों की पार्टी जी, लेकिन सवर्णों को जितना सम्मान इसने दिया है जी, बहुत कम ही पार्टियों ने बिहार में ऐसा किया है जी। इस वजह से चिराग पासवान का केवल हामी भर देना तेजस्वी यादव के दिए गए ऑफर पर, ये साबित कर देगा कि कांग्रेस के लिए भविष्य यहीं पे सील हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं महागठबंधन में कांग्रेस आगे चल के रह सकती है, हो सकती है, लेकिन वर्तमान उपचुनाव में मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए कोई रास्ता तेजस्वी यादव ने खोल कर नहीं रखा जी। एक नया समीकरण जो वो तैयार करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, और उस समीकरण की तैयारी टेस्टिंग अंतिम फेज में पहुंच चुकी है। चिराग तेजस्वी अंतिम टेबल टॉक क्या करते हैं जी, इस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर मुझे लगता है कि एक संभावना यह भी हो सकती है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव की सीटों पर, दोनों सीटों पर चुनाव लड़े जी, और कैंडिडेट ऐसा डालें जिससे एक दूसरे को फायदा पहुंचाया जा सके, जैसा कि बख्तियारपुर, सिमरी बख्तियारपुर उपचुनाव में, सिमरी बख्तियारपुर उपचुनाव में मतलब तेजस्वी यादव के खिलाफ कैंडिडेट जरूर उतरा था मुकेश सहनी जी ने, लेकिन 25,000 वोट काटकर उन्होंने जदयू को कमजोर किया जी, और उससे तेजस्वी यादव को वाकओवर मिल गया जी। तो ये परिस्थितियां फिर से हो सकती है, परिस्थितियां हो सकती है। और इस बात के भी जो अगर प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि जब चिराग पासवान जी उधर निकल रहे थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जन्मस्थली की ओर निकल रहे थे, उस दौरान मीडियाकर्मियों ने उनसे बातचीत किया था बीजेपी के मसले पर, बीजेपी के ऑफर पर बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि अभी ये हमारी कोई प्राथमिकता ही नहीं है। यानी कि जिस बीजेपी के लिए चिराग पासवान जी कहते थे कि हम उनके हनुमान हैं, अब कह रहे हैं चिराग पासवान जी कि ये अभी हमारी प्राथमिकता नहीं है और इसके बारे में बाद में विचार करेंगे, अभी हमारा सिर्फ आशीर्वाद यात्रा प्राथमिकता है। यानी कि सीधे तौर पर इशारों को समझिए, उपचुनाव तक चिराग पासवान भी यात्रा खत्म कर लेंगे और यात्रा खत्म करके अपना जो टेस्टिंग है वो भी कर लेंगे। इसके बाद फिर ऑफर तो पड़ा ही हुआ है, एक और लालू प्रसाद यादव जो राजनीति के दिग्गज है उनका ऑफर है, दूसरी ओर भाजपा भी उत्साहित है चिराग पासवान की भीड़ को देखने के लिए। देखिए ये सब कुछ इसलिए क्योंकि कल बाबा ने एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं लालू यादव ने बहुत सही गेम खेला था जिस वक्त चिराग काफी वल्नरेबल थे, उनके चाचा ने धोखा किया था, दिल्ली में मिलने के लिए उनके पास भेज दिया एक दलित नेता अपना हनुमान श्याम रजक को तो कहीं ना कहीं वो राजनीति वहीं पैक हो गई, बिल्कुल। और श्याम रजक भी जिस प्रकार से राजद में दलित राजनीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं,
और कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि कांग्रेस में अगर मीरा कुमार के नाम की चर्चा हुई है दलित, तो वो वही समीकरण साधने की तरह चल रही है। ऑब्वियसली अब जिनका वोट बैंक ओबीसी है वो उधर फोकस कर रहे हैं, जिनका वोट बैंक दलित है वो दलितों की तरफ भाग, दलित की तरफ भाग रहे हैं। अब जुड़े रहिए बात लाइव के साथ, बहुत सारी संभावनाएं हैं, ये पंचनामा इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं था, और भी चीजें बाकी है, लेकिन आप बात लाइव के ब्रेकिंग्स की ओर नजर बनाए रखिए, क्योंकि कांग्रेस भी दलित की ओर रुझान अपना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा में भीड़ को देखते हुए दलितों को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जगह पर जुड़ते हुए, तो अब बहुत सारी बातें हैं अभी जो बिहार की राजनीति में निकल करके आना बाकी है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, क्योंकि भारत लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।